नमस्कार, न्यूज 11 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। काफी लंबे समय के बाद झारखंड में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार सह जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को एक साथ नजर आए हैं। इसके बाद से कयासबाजी जो है और जोर पकड़ती जा रही है कि क्या झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत किशोर एक बार फिर से जेडीयू के लिए चुनावी रणनीति बनाएंगे। इस बार बिहार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इसके संकेत दिए हैं कि प्रशांत किशोर आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। एक न्यूज चैनल से बात करते हुए वशिष्ठ नारायण ने साफ कर दिया और एक तरीके से कहें कि इशारा किया कि प्रशांत किशोर जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और जब पूरी पार्टी झारखंड के विधानसभा के लिए फिर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगेगी तो स्वाभाविक है कि प्रशांत किशोर भी पार्टी के लिए तैयारी करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने इशारे में साफ कर दिया कि बीजेपी की नाराजगी के बावजूद जेडीयू ने प्रशांत किशोर की मदद लेने की तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने साल 2015 के विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन को जिताने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बता दें कि प्रशांत किशोर बीजेपी की धुर विरोधी मानी जाने वाली ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छी सफलता मिली थी, बावजूद इसके प्रशांत किशोर बंगाल में बीजेपी की परेशानी का सबब जरूर बने हुए हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर साथ में आए हैं और देखने वाली बात ये होगी कि क्या सचमुच वो रणनीति तैयार करते हैं कि किस तरीके से जेडीयू जो है 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव जो होने वाला है उसमें उनकी क्या कुछ रणनीति होती है, इसके लिए प्रशांत किशोर रणनीति तैयार करते हैं या नहीं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों से रूबरू होने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। नमस्कार। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।